इधर हमारे संवाददाता राजीव कमल ने विधान परिषद का कार्रवाई देखने पहुंची, स्कूली छात्राओं से बात की। इस दौरान छात्राओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बच्चे स्कूली बच्चे कहला आए हुए थे, आप देख सकते हैं कि स्कूली स्टूडेंट हैं ये बच्चे। परिषद के जो भी कार्रवाई अभी तक वो देख रहे थे, आइए उनसे बात करते हैं कि उनके Yes, it was fine. And the best part which I liked was that one minister claimed that a criminal did 17 crimes and still he was unpunished. And that was very true. And the judiciary should take a strong action against that. इससे पहले आप आई? No sir, it was the first time. आपको कैसे लगा? अरे हम हर्ता बाबू। तो ये रेस शुरू की क्या क्या अच्छा है क्या? विजुअल है ना? जैसा हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही, मेरे ख्याल से आज मैंने ये अनुभव किया कि यहाँ पर लोग बहुत पाठशाला में पढ़ाई जैसे इन्फोर्स करने के लिए, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट होता है तो वो बहुत ज्यादा ही टाइम लगता है उसके लिए, और यहाँ पर अगर नहीं होगा तो वहाँ भी नहीं होगा। और मेरे ख्याल से जो लोग कहते हैं कि यहाँ काम नहीं होता, यहाँ पर काम होता है। क्या नाम है? श्रुति पाण्डेय। आइए आपको छोड़ लो। Putting their demands and the opposition party was cancelled. कैंपस में आइए ना, पहली बार आप और कैसा लगा? मतलब क्या तो क्या सीखा कुछ? यही हम लोग का अच्छा तो स्कूल स्टूडेंट का मिला है, सीखा कि हमारा जो डिसिप्लिन है वो कितना है। क्या नाम है? तो आपने सुना कि बच्चों ने जब कहा कि वो पहली बार आई हुई हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ आप यहाँ आकर विधान परिषद में, और उन कार्रवाई देखा, कार्रवाई देखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है कि एक तरीके से बहस की जाती है और वाजिब मुद्दों पर बात को उठाया जाता है उसको लेकर उन्होंने, और बच्चों में काफी खुशी भी है कि जिस तरीके से और जिस तरीके से कार्रवाई भी वो देखी, बता रही है कि यहाँ चेकिंग अंदर गए तो चेकिंग भी पुलिस वालों ने किया, ऊपर से फिर उसके बाद जिस तरीके से मंत्री लोग और विधायक लोग मतलब बातें करते हैं, उस बातों को समझाते हैं, मतलब कहते हैं, उस पर बहस होती है, तो काफ़ी खुशी हुई है बच्चों के साथ। कैमरामैन अमित के साथ मैं पटना से राजीव कुमार।